आरक्षण के खिलाफ चल रहे आंदोलन में बीते दिन हालात बद से बदतर हो गए, जिसके बाद शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल वे भारत में हैं और ब्रिटेन या फिनलैंड जा सकती हैं। अब इस बीच सभी के मन में एक सवाल कि आखिर बांग्लादेश में इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो गया और इसके पीछे कौन था? इसका जवाब है वो तीन छात्र जो इस विद्रोह की लड़ाई का मुख्य चेहरा रहे, नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद, अबू बकर मजुमदार। तीनों ही स्टूडेंट्स ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिन्हें आरक्षण का मुख्य चेहरा भी कहा जा सकता है। एक खबर के मुताबिक तीनों को ही 19 जुलाई को अगवा कर लिया गया था, फिर उनसे कड़ी पूछताछ की गई, उत्पीड़न किया गया और 26 जुलाई को छोड़ दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया। छूटने के बाद तीनों ने फिर से आंदोलन को आगे बढ़ाया और 10 दिन के अंदर देश में तख्ता पलट हो गया। आलम यह हो गया कि शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। अब कमान सेना के हाथों में है, अंतरिम सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसमें इन तीनों छात्रों की भूमिका अहम मानी जा रही है। चलिए ऐसे में जानते हैं कौन है ये छात्र। नाहिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र का स्टूडेंट है। छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है, जिसका नाम स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट है। दूसरा छात्र आसिफ महमूद भी ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज स्टडीज का छात्र है। वो जून में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बना। 26 जुलाई को डिटेक्टिव ब्रांच की तरफ से हिरासत में लिए गए लोगों में आसिफ महमूद भी शामिल था। उसे भी बाकी लोगों की तरह इलाज के दौरान अस्पताल से ही हिरासत में लिया गया। आसिफ की हिरासत के पीछे भी सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में अबू बकर मजुमदार भी है। वो ढाका यूनिवर्सिटी में भूगोल यानी जियोग्राफिक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। द फ्रंट लाइन डिफेंडर के मुताबिक वो सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को लेकर भी काम करता है। 5 जून को हाईकोर्ट के आरक्षण पर दिए फैसले के बाद बकर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट की शुरुआत की। उनसे स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने का जमकर विरोध किया। अबू को 19 जुलाई को शाम धानमंडी इलाके से कुछ लोग अपने हाथ ले गए थे, जिसके बाद कुछ दिन तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। 2 दिन बाद उसे सड़क किनारे जहां से उठाया गया वहीं छोड़ दिया गया। बाद में अबू ने मीडिया को बताया कि पुलिस उसे एक कमरे में बंद कर आंदोलन वापस लेने का दबाव बना रही थी। पिछले महीने विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था, जिसमें नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजुमदार घायल थे और अस्पताल में इलाज करा रहे थे। इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया। जब ये कैद में थे तब गृह मंत्री ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही। जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। उन्होंने संसद भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा कर लिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।